क्या आप जोड़ों के दर्द में मुबतला हैं? अदरक और हल्दी के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द का इलाज मुमकिन है? आप भी तरह तरह के नुस्खे आजमा कर थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे नुस्खे बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आपके जोड़ों का दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए इनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप भी इन तमाम मसाइल का हल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल हेल्थ एंड रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिनके बायस जोड़ों का दर्द लोगों को अपना शिकार बना लेता है। इंसानी जिस्म में हड्डियों को जोड़ने और नकलो हरकत में जोड़ों का बड़ा अमल दखल है, जिनमें कंधे, कोहनियां और घुटने शामिल हैं। इनमें दर्द की शिकायत हो तो रोजमर्रा की जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है। आमतौर पर देखा गया है कि जोड़ों का 40 साल के बाद शुरू होता है, लेकिन यह मर्ज ऐन जवानी में भी हो सकता है। जोड़ों के दर्द में कमी लाना या महफूज रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। ये दर हकीकत कुछ गिजाएं, वर्जिशें और घरेलू अशिया जोड़ों के दर्द में कुदरती तरीके से नमाया कमी ला सकती हैं। जोड़ों का दर्द खत्म करने वाले 10 नुस्खों में से नंबर 1, अदरक से बनी चाय। मुतअद्दद तिबी तहकीकी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी है कि अदरक के अंदर ऐसी खसूसियत पाई जाती हैं जो जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात का असर बढ़ा देती हैं। अद्वियात के बगैर भी ये काफी मुफीद साबित होती है। इसके लिए अदरक को पीसकर सफूफ की शक्ल में इस्तेमाल करें या इसके बारीक टुकड़े करके इसे चाय के लिए उबाले जाने वाले पानी में 15 मिनट तक डबो कर रखें। इसका मुस्तकल इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में कमी लाने के लिए बेहतरीन साबित होगा। नंबर 2, मछली, ताजा फल और सब्जियों का इस्तेमाल। अगर आप जोड़ों के दर्दों के शिकार हैं तो फास्ट फूड और तली हुई गिजाओं को तर्क करें। जोड़ों के मर्ज के शिकार मरीजों पर की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक जिन लोगों ने मछली, ताज़ा फल, सब्जियां, गंदम, दिगर अजनास, जैतून का तेल, नट्स, अदरक और लहसुन वगैरह पर मुश्तमिल खुराक को अपनी आदत बना लिया, इन्हें जोड़ों की सूजन का कम सामना हुआ और इनकी जिस्मानी सेहत में काफी हद तक बेहतरी आई। नंबर 3, खुशबूदार मसालों को सूंघना। एक कोरियन तहकीक में ये बात सामने आई है कि जोड़ों के दर्द में मुबतला अफराद की तकलीफ में उस वक्त कमी आ गई जब उन्हें मुख्तलिफ इकसाम के मसालों की खुशबू सुंघाई गई, जिनमें काली मिर्च, गर्म मसाला और दीगर शामिल थे। नंबर 4, जोड़ों को गर्म ठंडे पानी का ट्रीटमेंट देना। आपको इसके लिए 2 प्लास्टिक के डिब्बों की जरूरत होगी। एक में ठंडा पानी और कुछ आइस क्यूब्स भर दें, जबकि दूसरे में ऐसा गर्म पानी हो जिसका दर्जा हरारत आप छूने पर बर्दाश्त कर सकें। पहले अपने तकलीफ दे जोड़ों को ठंडे पानी वाले डिब्बे में 1 मिनट के लिए डुबो दें और इसके बाद 30 सेकंड तक गर्म पानी वाले डिब्बे में मुतासरा जगह को डुबो दें। इसी तरह डिब्बों को 15 मिनट तक बदलते रहें, मगर हर डिब्बे में 30 सेकंड तक ही मुतासरा जगह को डुबोएं ताकि आखिर में इसका अहतमाम 1 मिनट तक ठंडे पानी वाले डिब्बे में तकलीफ में मुबतला जगह को डुबो कर करें। आपको जोड़ों के दर्द से आराम मिल जाएगा। नंबर 5, हल्दी का इस्तेमाल। ये दर्द मसाला अपने अंदर दर्दकश खूबियां रखता है। मुतअद्दद तिबी तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक हल्दी का इस्तेमाल जोड़ों के मरीजों की तकलीफ और सूजन में कमी लाता है। एक तहकीक में घुटनों के जोड़ों के दर्द के शिकार मरीजों को रोजाना 2 ग्राम या 1 चाय का चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करवाएं, जिसके नतीजे में इनकी तकलीफ में कमी आएगी और जिस्मानी सरगर्मियों में इतना इजाफा होगा जो इस मरीज के लिए अद्वियात के इस्तेमाल पर होता है। हल्दी का 1/2 चाय का चम्मच चावल या सब्जियों पर रोजाना छिड़क दें या इसे ही पानी के साथ निगल लें। नंबर 6, लौंग का इस्तेमाल। लौंग में सूजन पर काबू पाने वाले केमिकल मौजूद होता है जो कि इस जिस्मानी अमल पर असरअंदाज होता है जो जोड़ों के दर्द को बढ़ाता है। एक तहकीक के मुताबिक लौंग का इस्तेमाल ऐसे प्रोटीन को जिस्म में खारिज होने से रोकता है जो सूजन को बढ़ाता है। इसके अलावा लौंग में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो हड्डियों को कमजोर होने का अमल सुस्त कर देता है। इसका 1/2 से 1 चाय का चम्मच रोजाना इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में कमी के लिए बेहतरीन होता है। नंबर 7, अदरक के मरहम का इस्तेमाल। पीसी हुई अदरक को इस जोड़ पर लगाएं जिस पर तकलीफ हो रही हो, तो इससे जिस्म में एक दमागी जूस की कमी होती है
जो दर्द की लहर आपके मरकजी और साबी निजाम तक पहुंचाती है। अदरक के मरहम को बनाने के लिए ताज़ा अदरक के 3 इंच के टुकड़े को पीस लें, जिसमें कुछ मिकदार में जैतून का तेल शामिल करके इसे पेस्ट की शक्ल दे दें और फिर तकलीफ दे जोड़ पर लगाएं। इसके बाद इस जगह को किसी पट्टी से 10 से 15 मिनट तक ढका रहने दें। नंबर 8, गोभी और सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल। 50 साल की उम्र की तमाम खवातीन को रोजाना 1200 मिलीग्राम कैल्शियम का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। दूध या इससे बनी मसनूआत कैल्शियम के हासिल का बेहतरीन जरिया है, मगर दूध से बनी गिजाएं भी इसका इंतहाई बेहतरीन जरिया है। गोभी और सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है, जो मिकदार के लिहाज से दूध से कम होता है, मगर ये जिस्म में ज्यादा आसानी से जज्ब हो जाता है। नंबर 9, सूरज की रोशनी के फायदे। अपने जिस्म में विटामिन डी की सतह को बढ़ाने के लिए रोजाना 10 से 15 मिनट सूरज की रोशनी में रहना फायदा मंद साबित होता है। इसके अलावा दूध या इससे बनी दीगर मसनूआत भी विटामिन डी के हसूल का बेहतरीन जरिया है। नंबर 10, मछली के तेल से बने कैप्सूल का इस्तेमाल। एक बरतानवी तहकीक के मुताबिक मछली के तेल से बने कैप्सूल भी जोड़ों में होने वाली तकलीफ का बायस बनने वाले अमल को सुस्त कर देता है, जिससे शिद्दत में कमी आती है। एक और तहकीक में बताया गया कि रोजाना सब्ज चाय के 4 कपों के इस्तेमाल से जिस्म में ऐसे केमिकल्स की मकदार भर जाती है जो जोड़ों के दर्द में मुबतला होने का अमकान कम कर देती है। ये थे वो 10 नुस्खे जो हमने बड़ी रिसर्च के बाद आप तक पहुंचाए हैं। हम ऐसी ही वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं, जिनमें मर्दाना कमजोरी दूर करना, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, पीले दांतों को सफेद करना, वजन कम करना और बालों के कई मसाइल का हल शामिल होता है। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आइंदा भी मिल सकें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।